जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल चिली स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए बनाते हैं दिल्ली की एक फेमस स्ट्रीट फूड जिसका नाम है राम लड्डू। ये राम लड्डू एक चाट की रेसिपी है और ये आपको दिल्ली का हर मार्केट पे, जैसे द्वारका, लाजपत नगर, कोई भी मार्केट पे आपको ठेले में बिकते हुए मिल जाएंगे, जैसे स्ट्रीट फूड बिकते हैं ना उसी तरह। और ये राम लड्डू कोई मीठा रेसिपी नहीं है, ये चाट ही है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मूंग दाल और चने की दाल की यूज किया है। यहाँ पे मैंने आधा कप मूंग दाल लिया है और एक चौथाई कप चने दाल लिया है। उसके साथ पिंच ऑफ हींग लेंगे और मैंने यहाँ पे आधा इंच टुकड़ा अदरक, एक हरी मिर्च, पिंच ऑफ हल्दी, एक छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा और पिंच ऑफ खाने वाला सोडा यूज किया है। और आप चाहें तो इसको फॉर्मेंट करके बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे खाने वाले सोडे की इस्तेमाल किया है। तो अभी मैंने ये दोनों दालों को एक साथ मिला के 2 से 3 बार नॉर्मल पानी से धो के इसको 2 घंटे के लिए मैं सफिशेंट पानी में इसको भिगो के रख दूँगी। तो मैंने पहले से ही भिगो के रखा हुआ है। तो आप 2 घंटे बाद दाल देखिए, बड़े अच्छे से दाल हमारा फूल गया है। अभी हमें इसको ना, इसका एक्सेस पानी हटा के इसका हमें एक पेस्ट बनाना है। तो मैंने एक्सेस पानी तो हटा लिया, तो अभी मैं इसका एक पेस्ट बनाऊंगी। उसके लिए मैं एक छोटा वाला मिक्सिंग जार लिया है। अगर मैं बड़े वाले मिक्सिंग जार में की थी, उसमें जब अदरक वगैरह डाली ना, वो अच्छे से पेस्ट नहीं हुआ, उसी लिए मैं छोटे वाले मिक्सिंग जार में 2 बार में इस दाल को हमें महीन पेस्ट करना है। तो पहले तो हम बिना पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि अभी देखिए मैंने एक बार पेस्ट बनाया तो हुआ नहीं है, तो उसमें 2 बड़े चम्मच पानी डालेंगे और पानी डाल के इसका ना हम एक महीन पेस्ट बना लेंगे। अभी आप देख सकते हैं दाल हमारा पीस के कितना अच्छा पेस्ट बन गया है। अभी हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे दाल को। तो दाल को हम ट्रांसफ़र करके इसी मिक्सिंग जार में जो बाकी बचा दाल है हम उसको ले लेंगे। उसी के साथ हम इसमें हल्दी के साथ नमक भी देखिए मैंने डाल दिया, नमक के साथ जीरा के साथ हम खाने वाला सोडा और अदरक भी डाल देंगे और इसमें हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। अदरक को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है और हरी मिर्च को भी काट लिया है। हरी मिर्च मैंने 1 यूज किया है, आप चाहें तो 2 या 3 भी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो अभी ये भी हमारा फाइन पेस्ट बन गया। अभी हम इसको उसी जो पहले जो बैटर निकाले थे उसी बाउल में हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे और ट्रांसफ़र करके हमें अभी इसको 10 मिनट कंटिन्यूअस फेंटना है। जैसे कि मैंने बोला था पहले कि इसको ना फॉर्मेंट करके बनाया जाता है, तो उस जगह पे खाने वाले सोडे की मतलब यूज़ नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेंट नहीं कर रही हूँ, उसीलिए मैं इसको 10 मिनट कंटिन्यूअस फेंट रही हूँ, जिससे क्या होगा ये फ्लॉपी बनेगा। और इसको 30 मिनट के लिए हम ऐसे ही ढक के रख देंगे। तो 30 मिनट बाद आप देखिए हमारा दाल अच्छे से फूल गया है। बस उसमें हम पिंच ऑफ हींग डालेंगे एक फ्लेवर के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दाल गैस भी बनती है, डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, तो हींग हम डालेंगे तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा। तो मैंने इसको फेंटते फेंटते उधर रिफाइंड ऑयल चढ़ा दिया था गैस पे, जो कि मेरा तेल गर्म हो गया है। अभी मैं इसको हाथ से हो या स्पून से हो छोटे छोटे बॉल शेप के ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स डालूंगी। आप ऐसे जब डालते जाएंगे ना, ये फूल की अपनी आप बॉल का शेप ले लेगा, मतलब जो जैसे छोटे छोटे बॉल होते हैं ना पिंग पोंग बॉल जैसे, उसी तरह बॉल का शेप ये ले लेगा। बस आपको तेल जितना डाले हैं जिस अकॉर्डिंग आपका जगह हो आप वैसे ही डाल दीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि ये राम लड्डू फूलने को ना उसको जगह नहीं मिलेगा। बस उसको 2 मिनट ऐसे मतलब मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने के बाद हम इसको फ्लिप कर देंगे। ये टोटल ऐसे मेरा बनने के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम लिया है। तो ऐसे बीच बीच में हम ऐसे इसको उलट पुलट करते रहेंगे, फ्लिप करते रहेंगे, और जब ये अच्छे से हल्का सा गोल्डन पिंक हो जाए तब क्या होता है ना, ये ऊपर से बड़ा अच्छा क्रिस्पी हो जाता है और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। अंदर से सॉफ्ट जूसी रहती है और ऊपर से ना क्रिस्पी रहती है, ये खाने में बड़ा अच्छा लगता है तब। तो अभी एक बैच तो मेरा हो गया है, मैं अभी इसको निकाल लेती हूँ। तो आप इसको टिश्यू पेपर पर निकाल लीजिए, ऐसे थोड़ा टाइम होल्ड करके रखेंगे तो एक्सेस ऑयल निकल जाएगा। अभी हम ऐसे टिश्यू पेपर पे इसको निकाल लेंगे
और निकाल के उसको ठंडा होने देंगे। अभी इस तेल में हम दूसरे प्याज के जितने मतलब राम लड्डू है उसी प्रोसीजर में हम इसको भी डीप फ्राई कर लेंगे। और इसको इसमें आपने देखा होगा मैंने कोई भी प्याज लहसुन का यूज़ नहीं किया है, तो जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है ना। और जिनको प्याज लहसुन पसंद है, ऐसे तो दिल्ली में भी राम लड्डू में प्याज लहसुन डलता नहीं है, लेकिन आप लोग चाहें तो गार्लिक और प्याज का फ्लेवर अगर ऐड करेंगे ना तो कैसा लगा मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं भी दूसरी बार कभी बनाऊँगी तो मैं भी वैसे ही बनाऊँगी। अभी देखिए मैंने सारा राम लड्डू अभी निकाल लिया है और इसकी सर्विंग में ना एक अनोखा होता है, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं होता है। तो राम लड्डू तो तैयार हो गया है, अब चलते हैं इसको हम सर्व करने के लिए। तो इसको सर्व करने के लिए देखिए राम लड्डू मेरा तैयार हो गया है, इसको बस एक ग्रीन चटनी चाहिए। इसका जो स्पाइसी ग्रीन चटनी है इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसमें हाँ इसमें गार्लिक है, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से ग्रीन चटनी बना सकते हैं। उसके साथ कसा हुआ मूली लेंगे जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है, मूली और धनिया पत्ता, ये बारीक कटा धनिया पत्ता। तो जैसे स्ट्रीट स्टाइल में जैसे सर्व करते हैं आज मैं वैसे ही सर्व कर रही हूँ। तो एक प्लेट लेंगे, उसमें 8-10 ऐसे राम लड्डू आप अपने हिसाब से रख लीजिए। रख के उसको कुछ नहीं करना है, बस उसके ऊपर आपको ये ग्रीन चटनी डालना है, सफिशियंट ग्रीन चटनी डालना है। और डाल के उसके ऊपर खूब सारा ये जो कसा हुआ मूली और बारीक कटा धनिया पत्ता है ना उसको डालना है। इसमें कोई भी काला नमक, चाट मसाला, मीठी चटनी किसी की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि आपको अगर उसका टेस्ट पसंद है तो आप लोग डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं होती है। ये स्ट्रीट स्टाइल जो चाट है ये ऐसे ही सर्व किया जाता है। तो ये राम लड्डू आप लोगों के लिए है ना अनोखा, ये मेरे लिए भी अनोखा था, मैंने बनाया मुझे अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।